काफी टाइम से मैंने सोचा हुआ था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये डिस्कस करूंगा और बताऊंगा अपने तमाम व्यूअर्स को कि मैं किस तरह से पहुंचा हूं यहां 3000 सब्सक्राइबर्स तक और मुझे क्या डिफिकल्टीज सामने जो है आई और काफ़ी सारी बातें भी ऐसी कि मैं आपसे करूं। तो उसके लिए मैंने सोचा कि आज के दिन कंपेटेबल और मुझे कोई टॉपिक भी नहीं आ रहा था, सो दिस इज़ अ पॉइंट टू डिस्कस दिस विद ऑल ऑफ यू गाइस। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ तमाम दोस्तों जो सपोर्टिव व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को थैंक्स कि उन्होंने मेरे यहाँ तक पहुँचने में जितना मुझे सपोर्ट किया अपने कमेंट्स से, अपने व्यूज से, अपने रिस्पांस से। तो मैंने काफ़ी टाइम तक सोचा कि मैं किस तरह से उनको थैंक बोलूँ। तो मेरे पास कुछ 8 से 10 के करीब लोग हैं जो व्यूअर्स हैं मेरे और उन्होंने बाकायदा मुझे अप्रिशिएट किया इन दिस सेट एंड दे गिव सम इनकरेजिंग कमेंट्स अबाउट माई कॉन्टेंट, अबाउट माई वीडियोज़, जो कि मैंने चंद एक काफ़ी इस तरह की वीडियोज़ बनाई थी जो कि दूसरों के काम आए, देखकर वो कुछ सीखें, कुछ समझें। तो उन पर काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स आए थे, काफ़ी सपोर्टिव रहे वो लोग। तो मैंने सोचा कि आज मैं एक छोटा सा उनको थैंक्स कह दूँ, सिर्फ इस तरह से कि मैंने सिर्फ उनके स्क्रीन शॉट्स लेकर मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से पॉजिटिविटी है हमारी यूट्यूब कम्युनिटी में भी। मैं जो वीडियोज़ बनाता हूँ बेसिकली वो मैं सिर्फ एक व्यूअर के लिए बनाता हूँ, वो व्यूअर जो मेरी वीडियो को आखिर तक देखकर, सुनकर, देखकर, समझकर मुझे एक पॉजिटिव रिस्पांस देता है। अगर मेरे पास उसके बाद 100 या 1000 भी कमेंट्स नेगेटिविटी के आ जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी उस एक वीडियो से अगर किसी एक इंसान को भी फ़ायदा होता है तो मैं इस तरह से रेगुलर वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। मैं जानता हूँ कि मैं कोई इतना भी प्रोडक्टिव कॉन्टेंट नहीं बना रहा, मैं कोई इतना जिम्मेदारी से और कंसिस्टेंसी से नहीं बना रहा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह से मैं अपने इस एरा में दाखिल हो रहा हूँ, अपने इस यूट्यूब को एक प्रोफेशनली स्टार्ट करने की तरफ आहिस्ता आहिस्ता से जा रहा हूँ, क्योंकि स्टडीज़ भी साथ साथ हैं तो इस काम को भी साथ साथ लेकर चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्टेंट और अपनी वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह, जिसमें हम तमाम जिसमें मैं सिर्फ ना कि खुद अपनी वीडियोज़ बनाऊँगा बल्कि इसमें मैं अपने कुछ दोस्तों, अजीज़ों और काफ़ी सारे टॉपिक्स को लेकर बात करूँगा, जिसमें से करीब हमारे इलेक्शन का टॉपिक है तो उसमें मैं उस मुताले की बात करूँगा। लेकिन इन सबसे पहले आप उन तमाम दोस्तों को देख लें पहले कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी उनके पॉजिटिव और सपोर्टिव कमेंट्स से मुझे हेल्प मिली। तो एक नज़र उन तमाम दोस्तों को और मेरी तरफ से उन तमाम दोस्तों अजीज़ों को थैंक्स अ लॉट। In famous Baloch, you're doing a great job, but make quality over quantity. This is a positivity. ये देख सकते हैं आप कि इससे मुझे देख कर कभी भी डिस्करेज नहीं हो सकता कोई भी बंदा। मुस्तफ़ा कमाल का शुक्रिया, आई टी डैडी एक रेगुलर व्यूअर है हमारे भाई, तुम अच्छा कर लोगे, यूट्यूब कभी ना छोड़ना, थैंक्स अ लॉट। दानिश बाबर, नाइस फॉर यू डूइंग ब्रो, नाइस, आई एम ऑल्सो यूट्यूबर बट आई ऑल्सो वॉच योर वीडियोज, नाइस, थैंक यू। अम्मास खान, लव योर एम्बुलेंस ब्रो, कीप इट अप इंशाल्लाह, कामयाबी है आपको, थैंक यू। क्यूट पपी, कीप ग्रोइंग, थैंक यू आपकी सपोर्ट के लिए। यासर सिद्दीकी, आई एम योर रिडीम 55 सब, कीप रॉकिंग ब्रो। एंड नौशीन अमीन, वेल डन, थैंक यू नौशीन। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग वो लोग हैं जो कि एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, पॉजिटिविटी फैलाते हैं, इनके होने से माशरे में ये फ़ायदा होता है कि कोई भी काम कर रहा हो अगर उसमें 0.1% भी कुछ होगा अच्छा तो उसको ज़रूर, मुझे उम्मीद है ये लोग अपनी ज़िंदगी में अप्रिशिएट करेंगे, बल्कि हमें करना भी यही चाहिए कि अगर आप किसी को कुछ काम करते हुए देखो ना कि उसको आप इस तरह से तनकीद करो कि वो डिस्करेज हो, बल्कि कोई गलतियाँ कोई खामियाँ हों तो आप उसे भी बाकायदा उनको दिखा कर, उनकी निशानदेही कर कर उन्हें समझाएं ताकि वो उसको ठीक करें। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि मुझे बताते हैं कि आप अपनी क्वालिटी को अच्छी करें, आपकी ऑडियो ख़राब है, आपकी जो है कुछ कॉन्टेंट जो है काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी ज़्यादा लंबी आप वीडियोज़ भेज देते हैं तो उनको 5-6 मिनट की वीडियोज़ बनाए, तो इस तरह के जो कमेंट्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कभी इनसे डिस्करेज नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि बुराई लफ्ज़ है तो उसका वजूद होने लगता है।